बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्वा कल्चर एक्टिविटीज़, जब भी कोई इंडस्ट्री जैसा कि एक्वा कल्चर डेवलप्स होता है तो इसके फंक्शंस और इसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड करती हैं ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कोई प्रोडक्ट। इस तरह से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में। बाज़ औक़ात की जो है ना सेपरेट इंडस्ट्रीज़ के तौर पर जो है ना वो मुतारिफ़ करवाई जाती है। एक्वा कल्चर जो है ना वो 5 मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हैचरीज। हैचरीज ने क्या करना होता है, इसने प्रोड्यूस करने होते हैं सीड्स को। हैचरीज का क्या काम है, प्रोड्यूस सीड्स, प्रोड्यूस करने होते हैं सीड्स को, या फिर इसने क्या करना होता है, यंग फिश को प्रोड्यूस करना होता है। यंग फिश प्रोड्यूस्ड बाय हैचरीज, और इस यंग फिश को या एग्स को इस्तेमाल किया जाता है, यंग फिश या फिर सीड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना स्टॉक ग्रोइंग फैसिलिटीज़ हासिल की जा सके। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू स्टॉक ग्रोइंग फैसिलिटीज़। क्लियर। सीड जो है ना ऑब्टेन किए जाते हैं कैप्चरिंग वाइल्ड सीड से, या फिर इसको जो है ना लिया जाता है ब्राउड स्टॉक से। ठीक है, क्लियर है ये चीज। सीड्स को हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, सीड्स ऑब्टेन्ड, सीड्स को कहाँ से ऑब्टेन्ड करते हैं, सीड्स को हम ऑब्टेन करते हैं कैप्चरिंग दी वाइल्ड सीड से, कैप्चर करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं इनकी वाइल्ड सीड से। या फिर दूसरा जरिया ये हो सकता है कि इसको राइजिंग करवाई जा सके ब्रॉड स्टॉक से, राइजिंग फ्रॉम ब्रॉड स्टॉक। क्लियर। और एडल्ट्स को जो है ना हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए रख लिया जाता है। एडल्ट्स को कहाँ रख लिया जाता है, एडल्ट्स, एडल्ट्स आर केप्ट फॉर रिप्रोडक्शन। एडल्ट्स को किस मकसद के लिए रखा जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर। हैचरीज क्या है, एक एक्वाकल्चर की एक्टिविटीज है। इसमें प्रोड्यूस किया जाता है सीड को या फिर यंग फिशेज को। क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो है इसको इस्तेमाल किया जा सके स्टॉक ग्रोइंग फैसिलिटीज में। सीड्स को कहाँ से हासिल किया जाता है, सीड्स को हासिल किया जाता है कैप्चरिंग वाइल्ड सीड से, या फिर इनको जो है ना राइजिंग किया जाता है ब्रॉड स्ट्रोक से। और अडल्ट्स को हमेशा किस लिए रखा जाता है, ताकि इससे रिप्रोडक्शन करवाई जाए। नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज, डेट इज द ग्रो आउट। ग्रो आउट में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि जो क्रॉप यानी कि जो फिश है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो सके, सीड से। ग्रो आउट सेकेंड एक्टिविटी इज द ग्रो आउट, सेकेंड एक्टिविटी इज द ग्रो आउट। इसमें क्या किया जाता है, फैसिलिटीज की दी जाती हैं, फैसिलिटीज प्रोड्यूस किया जा सके, किसको प्रोड्यूस किया जा सके, क्रॉप को यानी कि फिश को, क्रॉप्स इन अदर वर्ड्स फिश। कहाँ से प्रोड्यूस होनी है क्रॉप या फिश, सीड से। क्लियर। क्रॉप ने कहाँ पर से प्रोड्यूस होना है, सीड से, और क्रॉप्स यहाँ पे किससे क्या मुराद है, फिश। अब नज़ीर ये कि एग्रीकल्चर की तरह ये भी इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रोडक्शन सिस्टम शो करता है। इसमें कितनी टाइप्स के होते हैं सिस्टम्स, इंटेंसिव भी और एक्सटेंसिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। अगर बात की जाए एक्सटेंसिव सिस्टम के हवाले से, एक्सटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम, तो इसमें बेसिकली जो है ना लोअर पॉपुलेशन शामिल होती है। इसमें क्या इंक्लूडेड है, लोअर पॉपुलेशन, लोअर पॉपुलेशन आ जाती है इसमें, और बहुत ही लेस मैनेजमेंट जो है ना वो शामिल होती है, लेस केयर या फिर लेस मैनेजमेंट इसमें शामिल है, मैनेजमेंट। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए इंटेंसिव सिस्टम में, इंटेंसिव सिस्टम,
तो ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा जो ना डेंस पॉपुलेशन होती है फिशेज की इन रिलेटिवली स्मॉल स्पेस. इसमें इसमें जो है वो बहुत ही कम जो है स्पेस शामिल होती है इंटेंसिव सिस्टम में. इंटेंसिव सिस्टम किसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें वेरी डेंस पॉपुलेशन यानी कि इसमें पॉपुलेशन की तादाद क्या है जो बहुत ज्यादा होती है. वेरी डेंस पॉपुलेशन, ठीक है, किसकी पॉपुलेशन, फिश की पॉपुलेशन, और बिल्कुल रिलेटिवली स्मॉल स्पेस में रखा जाता है. रिलेटिवली स्मॉल स्पेस में रखा जाता है और इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट, इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती जबकि इसमें क्या होता है केयरफुल मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड. केयरफुल मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. क्लियर हो गया एक्सटेंसिव सिस्टम क्या है और इंटेंसिव सिस्टम क्या है. इसमें हमने किसमें बात की है, ग्रो आउट में बात की है. अब अगर हम लोग देखें तो ये जो ग्रो आउट फैसिलिटीज है ना ये लैंड बेस्ड भी हैं, ठीक है, क्लियर है. ये क्या है, लैंड बेस्ड है जिसमें पॉन्ड्स आ जाते हैं, टैंक्स आ जाते हैं, ये रनवेज आ जाती हैं. और दूसरी तरफ ये वाटर बेस्ड भी जिसमें पेंस हैं, केजेस हैं और रेंचिंग वगैरह. इसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि पेंस क्या है और इसके अलावा केजेस क्या है और रेंचिंग क्या है. तो बेसिकली जो ग्रो आउट फैसिलिटीज है ये वाटर बेस्ड भी है और ये क्या है, ये लैंड बेस्ड भी होती है. नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी की बात करते हैं, दैट इज द हार्वेस्टिंग. किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं. हार्वेस्टिंग थर्ड स्टेप इंक्लूडेड इज द थर्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में बेसिकली गैदरिंग है और फिशिंग की कैप्चरिंग इन्वॉल्व है. हार्वेस्टिंग इसमें क्या चीज आ जाती है, इन्वॉल्व्स द गैदरिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ फिश फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, ठीक है. हार्वेस्टिंग में क्या शामिल है, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, या दूसरे लफ्जों में क्या करना है, फिश को कैप्चर करना. गैदरिंग या फिर कैप्चरिंग ऑफ फिश, ठीक है. क्यों फिश को कैप्चर और गैदर करना है, ताकि मार्केटिंग की जा सके और प्रोसेसिंग की जा सके. मार्केटिंग की जा सके और इसके साथ साथ क्या किया जा सके, प्रोसेसिंग की जा सके. एक्वाकल्चर जो हार्वेस्टिंग है ना वो टिपिकली टॉपिंग है यानी कि पार्शल भी हो सकती है या टोटल हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, क्लियर है. नजीद हम बात करते हैं मार्केटिंग के हवाले से. फोर्थ स्टेप इज द मार्केटिंग. मार्केटिंग बेसिकली क्या है जी, मार्केटिंग, मार्केटिंग में बेसिकली कनेक्शन है, एक ताल्लुक है प्रोड्यूसर्स का कंज्यूमर के साथ. ये क्या है, मार्केटिंग क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक ताल्लुक देती है, कनेक्ट्स करती है. किस किस को कनेक्ट करती है, प्रोड्यूसर्स को और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को, ठीक है. मार्केटिंग का पर्पस क्या है जी, इसको क्यों किया जाता है जी, पर्पस ऑफ मार्केटिंग, पर्पस इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है. इसका मकसद ये होता है कि जो कंज्यूमर्स को जो है ना वो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है. और इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर है ना वो बहुत ही चीपर प्राइस के अंदर जो है ना वो प्रोडक्शन जो है ना वो करे किसी भी प्रोडक्ट की, और इससे जो है इसको किसी भी जो है ना बिजनेसमैन को मुनाफा हो सके, ताकि क्या मिल सके, उसको प्रॉफिट मिल सके. डिजायर इसमें क्या जाते हैं, मार्केटिंग का क्या मकसद हो सकता है जी, मार्केटिंग का मकसद ये हो सकता है कि प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर को विद डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, और इनकी जो प्राइस है ना वो बहुत ही कम हो, विद अ प्राइस टू कवर प्रोडक्शन, मिनिमम प्राइस में जो है ना वो बेहतर क्वालिटी के जो है ना प्रोडक्ट प्रिपेयर हो सके, कवर
प्रोडक्शन, और इससे क्या मिल सके, इससे मिल सके प्रॉफिट, मेक अ प्रॉफिट, किसी भी बिजनेसमैन को क्या मिले, प्रॉफिट मिले, इस तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाए कि जिससे जो है वो कंज्यूमर की जो है ना वो ज़रूरत ही पूरी हो जाए और बिजनेसमैन को क्या मिले, प्रॉफिट भी मिले. दिस इज़ इन मार्केटिंग. फिश जो है ना वो सबसे मेजर एक्वा क्रॉप है यूनाइटेड स्टेट के अंदर. यूनाइटेड स्टेट में फिश एक्वा, यानी कि फिश जो एक्वा क्रॉप है ना वो यूनाइटेड स्टेट में सबसे जो है ना वो मेजर बेसिकली है. फिश मेजर इन द फॉर्म ऑफ एक्वा क्रॉप इन द यूनाइटेड स्टेट. फिश फाइव मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, फाइव मार्केट्स बेसिकली डिपेंड करती हैं प्रोडक्शन की वजूहत के ऊपर जो कि एसोसिएटेड होती हैं फिश के साथ. सबसे पहले मैं देखती हूँ, बताती हूँ इसमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइव मार्केट्स. फाइव मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ प्रोडक्शन. रीजन फॉर प्रोडक्शन, क्लियर. अब इसमें बेसिकली क्या आ जाता था, इसमें आ जाता था फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है, क्या किया जा सके ह्यूमन के लिए जो है ना फूड कंजप्शन हो सके. फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है. इसके साथ साथ क्या हो सके, बेट हो सके किसके लिए, स्पॉट फिशिंग के लिए, स्पॉट फिशिंग के लिए, पेट्स या फिर ऑर्नामेंटल्स वगैरह होम के लिए या ऑफिस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है, पेट्स या फिर ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स किसके लिए, ऑफिस के लिए या फिर होम के लिए, एक्वेरिया वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके. क्लियर, होम या फिर ऑफिस एक्वेरिया के लिए. दूसरा ये कि स्पॉट फिश जो है ना उसको रिलीज किया जा सके नहरों के अंदर और नदी नालियों में इनटू लेक्स एंड स्ट्रीम्स वगैरह में. स्पॉट फिश को, स्पॉट फिश को रिलीज किया जा सके किसमें, लेक्स में और स्ट्रीम्स में. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इज द फिश फॉर फीड इंग्रेडिएंट्स, कि फिश को जो है एज अ फीड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सके. फीड इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स, क्लियर है. अब बात करते हैं फिफ्थ फिफ्थ एक्टिविटी की, दैट इज द प्रोसेसिंग. फिफ्थ एक्टिविटी कौन सी है, दैट इज द प्रोसेसिंग, प्रो प्रोसेसिंग चेंज लेके आती है प्रोडक्ट के अंदर, चेंजेस द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इनटू समथिंग मोर डिजायरेबल टू कंज्यूमर, जो कि आसानी से जो है ना हर एक एक्सेस भी हो सके, इनके कंज्यूमर के लिए जो है ना आसानी से डिजायरेबल हो सके. प्रोसेसिंग में बेसिकली थ्री फॉर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, एक तो मिनिमम, मिनिमम मीडियम और वैल्यू एडिड. इसमें बेसिकली क्या है जी, चेंजेस द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, changes the form of product into something more desirable to consumer. ठीक है, क्या हो सके आसानी से जो है वो एक्सेस हासिल हो सके किसको, कंज्यूमर तक, कंज्यूमर. इसमें बेसिकली कितनी चीज़ें आ जाती हैं, थ्री फॉर्म्स आ जाती हैं, एक तो है मिनिमम, मिनिमम और इसके अलावा मीडियम एंड थर्ड इज दी वैल्यूएबल. इस पर हम लोग डिटेल से है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना हम बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या आ जाती है. ये थी बेसिकली फाइव एक्टिविटीज़ जो कि है
जो कि जो है एक्वाकल्चर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. फर्स्ट इज द हैचरी, सेकंड इज द ग्रोअर, थर्ड इज द हार्वेस्टिंग, फोर्थ इज द मार्केटिंग एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रोसेसिंग. थैंक यू सो वेरी मच. कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.